नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुपेट इन्फो चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसमें आपको सॉल्यूशन सॉल्व करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसके 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं और आज है फोर्थ पार्ट की बारी। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। आइए, तो फोर्थ पार्ट करने के लिए देखिए इसमें क्या लिखा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो जो फोर्थ इक्वेशन है वो हमारे पास 2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। ओके, और जो एक और इक्वेशन हमारे पास वो क्या है, सेकंड इक्वेशन 0.4x ओके प्लस 0.5 इक्वल टू 2.3। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा लेते हैं और हम क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं और इसके बाद जितने डिजिट हैं, एक अंक है तो एक लिखिए, ठीक है, प्लस में 0 लिखिए एक। और अब देखिए यहाँ भी एक पॉइंट के नीचे 1 बनाइए और यहाँ एक, क्योंकि एक अंक है तो एक 0 है, ठीक है ना, 1 डिजिट है, तो ऐसे ही 1/13 हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4x/10 प्लस में ये पॉइंट जो होता है ना, दशमल, हम दशमलव को हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं बस, तो 5y/10 इक्वल 23/10। ओके, तो हमारे पास जो है कि ये इक्वेशन गिवन थी, है ना, देखिए ये हमारे पास 1 और 2 है। तो अब हम देखिए ये एक जैसे हैं, तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2x+3y पूरे के अपॉन में 10, और इधर क्या बनेगा, 13/10। सेम ऐसे इधर क्या बनेगा, 4x+5y/10 इक्वल 23/10। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए 10 और 10 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी डिवाइड में, यहाँ भी डिवाइड में, क्यों, क्योंकि अगर ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई में लिखूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो वही बात है, तो इसलिए कैंसिल कर दिया। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की है, देखिए, तो इसे थर्ड मान लीजिए और इसे ऐसे ही फोर्थ इक्वेशन लेट कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व करिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा गया है, तो किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2x इक्वल क्या होगा, 13 माइनस, इसको इधर भेजिए, 3y, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू थोड़ी रखनी है, तो 13 माइनस में 3y/2, तो ये हो गई x की वैल्यू। ओके, अब इसी वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए, जहाँ पर x दिख रहे हैं वहाँ पर क्या करिए, x और x की जगह पूरा लिखिए, 13 माइनस में 3y/2 ओके एंड प्लस 5y इक्वल में 23। अब देखिए ये डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में, तो ये इससे कैंसिल, अंदर मत काटिएगा, अंदर नहीं कटेगा, अगर 12 होता आप सोचते इसे डिवाइड कर दो, नहीं, पूरे में कॉमन आना चाहिए, तो पूरे पे कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 2 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 26 माइनस 2 से 3 में कीजिए, 6y ओके, और प्लस में हमारे पास क्या है, 5y ओके, तो देखिए 6y हो गया, 6y और प्लस 5y, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का वाई, और ये जो 26 है इसको आप भेज दीजिए इस तरफ, तो इधर ये पॉजिटिव है, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, अब माइनस 26 में से 23 घटाइए, तो माइनस वाई इक्वल आ जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू क्या आई, 3 ओके, तो y की वैल्यू आ गई। अब क्या करिए, इसी y की वैल्यू यहाँ पर रखिए वापस, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 13 माइनस में 3 मल्टीपल 2 3 सॉरी, क्योंकि y की वैल्यू 3 है, जहाँ पर हम y देख रहे हैं वहाँ क्या रखेंगे, 3, और पूरे के अपॉन में क्या होगा, 2 ओके, तो यहाँ पर लिखिए 13 माइनस में 3 3 जै 9, 3 3 9 हो गया, बटे में कितना हो गया, 2, और कितना आ गया, 13 में से 9 गया, तो हमारे पास बचा 4/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 2 ओके। तो y इक्वल क्या आ गया आपकी वैल्यू, y इक्वल आपकी वैल्यू आ गई 2, और सॉरी y नहीं, x सही है, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इस तरह से हो गया आपका सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है प्रतिस्थापन विधि। ओके, अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है। ओके दोस्तों, इसके साथ ही लिंक्स मैं देता रहता हूँ, आपको बताता हूँ मैं बार बार, बाकी की वीडियो की जो लिंक है आपको दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे वीडियो का मान लीजिए बॉक्स है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, यहाँ एक छोटा सा कोना बना होगा, ओके, ऐसे ऐसे एक छोटा सा कॉर्नर बना होगा, उसको क्लिक करिएगा, खुल जाएगा शटर और फिर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे सारे लिंक्स। ओके,
तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको कठिन देखने में लग सकता है, लेकिन सॉल्व करने में कुछ खास नहीं है, ऐसे होगा वो भी। चलिए स्पेस की कमी पड़ जाती है तो अब मैं यहाँ से लूँगा बिल्कुल। तो अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे, कौन सा? फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए दोस्तों क्या है, √2x ओके और +√3y इक्वल टू जीरो। अच्छा इसे पहले चेक करना पड़ेगा, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, बिना चेक किए मत सॉल्व करना आप, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा कभी भी, ठीक है? तो ये हो गया, 8 दे रखा है, वाई इक्वल टू जीरो ओके। तो √2 अपन में, अच्छा ये तो सॉल्व होगा, अब सॉल्व होगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। नंबर वन इक्वेशन है, नंबर टू इक्वेशन है, किसी एक को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना? तो फ्रॉम इक्वेशन कैसे लिखना है, मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में बना रखा है, वो वीडियो लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा ओके। तो √2x इक्वल, इसको इधर भेजिए, माइनस का √3y ओके। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -√3y अपॉन में क्या हो जाएगा, √2। मैंने आपको बताया था कि नीचे रूट रहना नहीं चाहिए, फिर भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है, तो आप √2 को यूज कर सकते हैं सेम, ठीक है ना? थर्ड इक्वेशन, अब इसको पुट कर दीजिए सेकंड में, तो √3 और x की जगह आप क्या रखेंगे, ये वैल्यू √3y अपॉन √2, और माइनस में क्या है, देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 8 को आप ये फैक्टर बनाओगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 2 2 4 2 8, तो ये जोड़ा बन गया, तो 2 बाहर और रूट में 2 आएगा, ठीक है? तो मैं √8 को क्या लिखूँगा, 2 √2 y अपॉन कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए इक्वल टू 0। अब देखिए √3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा, 3y अपॉन √2, और माइनस में क्या है, 2 √2 y अपॉन में 1। तो क्या कीजिए, इससे इसमें गुणा कर दीजिए या एलसीएम ले लीजिए दोनों का। तो अगर आप एलसीएम भी लेंगे तो क्या आएगा, √2, √2 से √2 को डिवाइड करेंगे तो सिंपल रहेगा 3y माइनस 2 √2, अगर √2 से मैं √2 में करूँगा तो 2 आ जाएगा और ये 2, तो क्या हो गया, 4, तो 4y इक्वल टू 0। ये रूट में है, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3y माइनस 4y इक्वल टू 0 ओके। तो अब अगर -4y में से मैं 3y माइनस कर दूँ तो क्या होएगा, माइनस का y इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि y इक्वल क्या आ गया आपके पास, y इक्वल आपके पास वैल्यू आ गई 0 ओके। तो अब चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना? तो x की वैल्यू अब कैसे निकलेगी, x इक्वल हमारे पास है -√3y अपॉन 2, तो बस कुछ नहीं करना, अब x की वैल्यू रख देनी है, y की वैल्यू निकल गई तो y की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो -√3 मल्टीपल वाई की वैल्यू है क्या, 0 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि 0 है सबसे मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, तो y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी 0 ओके। अगर आप मैंने आपको बताया कैसे आप चेक कर सकते हो, y की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू भी यहाँ रख दो, और सॉल्व करके देख लो कि इधर 0 है तो क्या इधर भी 0 आ रहा है, आ जाए, आ रहा है बिल्कुल, 0 से x गुणा होगा, ये √2 गुणा होगा 0, और √3 भी 0 से गुणा होगा तो 0 ओके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में दोस्तों क्या है, अब ये बटे वाले सवाल हैं, मैं आपसे साफ कहता हूँ कभी भी घबराए ना, आप क्या करें पहले सवाल को बिल्कुल केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ें और उसके बाद अंडरस्टैंड करें कि ये है क्या, एक्चुअली में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कैसे सॉल्व करूँ मैं। जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने लग जाएंगे तो अपने आप सॉल्व भी करने लग जाएंगे ओके। तो सेकंड इक्वेशन है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल में 13 अपॉन में 6 ओके। तो ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं, वही बात है, पहले एलसीएम लिखे थे, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है ये वाली, सिंपल अगर मैं कोई इक्वेशन लिख दूँ तो ऐसे बनानी है पहले आपको, एक्स वाई इक्वल में 6 ऐसे बनानी है, ठीक है? नीचे बटे उटे में नहीं चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या होगा, 6 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा कितना, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो 9x माइनस 3 से इसको डिवाइड करो 2 आएगा और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 10y ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस 10 में से, अच्छा घटाना नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल है ना, अभी तो हम इक्वेशन बना रहे हैं सिंपल, मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो क्या आ गया, माइनस का 12 आ गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गई ठीक। ऐसे इधर भी एलसीएम आप देखिए क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, अब 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस में 2 से डिवाइड कीजिए तो 3 आएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई इक्वल टू 13/6, ये फ़ायदा इधर हो गया, ये कैंसिल हो गया ओके। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y
इक्वल टू 13। ओके, तो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। x ये इक्वल हो जाएगा क्या, 13 माइनस में 3y। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये आ गया आपकी फिफ्थ इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू इसमें रख दीजिए। ओके, तो चलिए रख के देखते हैं। 9 मल्टीपल x की पूरी वैल्यू 13 माइनस में 3y अपॉन 2। ओके, और माइनस का 10y इक्वल में माइनस 12। अब ये तो देखिए ये तो डिवाइड होगा नहीं, पिछले वाले में तो 4 था, डिवाइड हो गया था। तो अब आप मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, और कोई चारा नहीं आपके पास, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 नंबर कितना होता है, 117 माइनस 9 3 से क्या होगा, 27y अपॉन में पूरे 2 माइनस 10y। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, अगर आप इससे इसमें गुणा कर दीजिए, पूरे के बटे में 2 लिख दीजिए। ओके, शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं ऐसे। तो ये चीटी भी घूम रही है यहाँ पे मैथ सीखेगी लगता है ये भी। इधर चलिए, इसके उसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 20y। ठीक है, अब 2 इसके नीचे नहीं बल्कि पूरे के नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में रख देंगे जो भी है, और इक्वल के हमारे पास माइनस का 12। अभी डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब देखिए हमारे पास है 117 माइनस 27y और माइनस का 20 है, तो कितना हो गया, माइनस 47y इक्वल टू 2 है, उधर मल्टीप्लाई के डिवाइड में है, उधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 24। ओके, अब ये 117 है, इसको भी उधर भेज दीजिए ज़रा, तो माइनस 47 इक्वल आ जाएगा माइनस का 24 माइनस का 117। तो ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 471 और 1 और 3, ठीक है, 1 3 हो गया और एक 4 हो गया, ठीक है, 141 आ रहा है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, ध्यान से देखिए, जगह इधर कम है, नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, यहाँ कर देता हूँ, देखिएगा ज़रा। तो माइनस अब वाई की जगह देखिए, माइनस 47 था ना साथ में, दिखाई दे रहा, थोड़ा सा मैं उठा देता हूँ, इधर देखिए, तो माइनस 47 वाई इक्वल हमारे पास आ गया है माइनस का 144, ये 1 है यहाँ पे माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस है, तो माइनस 144 अपॉन में माइनस 47 ले जाइए, तो माइनस माइनस कैंसिल, 47 थ्री जा होता है, हाँ देखिए 3 7 21 होता है ना, समझ में आ रहा है, तो ये आएगा 3 times, कितने टाइम्स आएगा, 3 times। तो वाई आ गया आपको, वाई आपकी वैल्यू आ गई 3। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें रख दीजिए। ओके, तो चलिए रख देते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्चुअली कॉल आने लग गई थी, देखिए 3y, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ कर देता हूँ, ऊपर जगह हमारे पास, तो ये 2 था, तो अब हम क्या करेंगे, 13 माइनस यानी x की वैल्यू निकाल रहे हैं, 3 मल्टीपल, ओके, y, अब y की जगह क्या हमारे पास, 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए अपॉन में 2, तो ये हो गया 13 माइनस में 9 बटे में 2, तो 13 में से 9 गया कितना बचा, 4 बटे में 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है उसका ज़रूर इस्तेमाल करें, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको PDF सॉल्यूशन मिल जाएंगे, PDF सॉल्यूशन मिल जाएंगे मैथ्स के, और नोट्स भी मिल जाएंगे, आप आराम से जाके डाउनलोड करें। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।